स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक और पार्ट नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने जाएंगे, जीरो की संख्या। ठीक है, किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, मतलब है क्या। जैसे नंबर ऑफ जीरोस मतलब कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए ये है 3 2 5 7 0, तो हम बोले कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो आप बोलेंगे 2 0। ठीक है, ये नहीं कि ये बीच वाला नंबर, अगर ऐसा कुछ आ जा रहा है, अगर हम बोले इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो इसमें एक भी जीरोस नहीं है, ये बीच वाला मिडिल वाला नहीं लेंगे, साइड से लेंगे कितना जीरो है। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसमें इसमें एक भी नहीं है। अगर यहां बोले तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, इसको काउंट नहीं करेंगे, जो साइड से है यूनिट डिजिट से उसको लेंगे, यहां से 3, तो 3 0, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना है, 3। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ जीरोस। अब बात आता है कि नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है, नंबर ऑफ जीरोस ये बनेगा कैसे, है ना। तो जीरो बनने के लिए एक फाइव और एक इवन नंबर यानी 2 का होना जरूरी है। जब 5 और 2 का पेयर मिलता है आपस में, तब एक जीरो बनता है, 5 2 10, तब एक जीरो बनता है। 5 और 2 का पेयर होना जरूरी है, और इसमें जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा। जैसे अगर हम बोले इसमें एक पेयर ये हो गया 5 2 का, एक पेयर ये हो गया 5 2 का, यानी कि कितना आएगा, 2 0। दो पेयर बना, 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर, दो पेयर बना मतलब 2 0 होगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 100। जो पेयर बनाएगा वही, ठीक है, 5 और 2 में। जैसे अगर हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5 × 5 × 5 × 2 × 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है, तो पेयर कितना बनेगा, 1 और 1, ये बन गया पेयर, यानी कि 2 पेयर बना, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2। 2 5 1 5 2 और 1 5 2, ये पेयर बना के 2 0 बना दिया, और 1 5 है तो 5 लिख देंगे, ये तो 100 हो जाएगा यहां से यहां तक, अब 5 में इंटू करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, ठीक है, और वो पेयर कौन बनाएगा, जो कम होगा वही पेयर बनाएगा। जैसे 5 3 था, टोटल 3 5 है हमारे पास, और टोटल 2 कितना है, 2 ही 2 है, तो इसमें कम कौन है, 2 कम है, तो वही पेयर बना पाएगा, जो कम होगा वही पेयर बनाएगा, तो टोटल कितना, 2 0 बनेगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, तो अब इसमें कितना पेयर बनेगा, तो जो 5 कितना है, 3 5 है, और 2 तो 4 है, इसका मतलब 3 पेयर तो बन जाएगा, है ना, 5 और 2 का 3 पेयर, 5 2 5 2 5 2, 3 पेयर बनेगा, तो 3 0 होगा, यानी कि 1000, और 2 है तो 2 दे देंगे, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम 5 और 2 में वो देखेंगे कि कौन कम है, अगर दोनों 5 पर, एक तो 5 और 2, 2 मीन्स इवन नंबर, अब 2 की जगह 4 हो गया, 6 हो गया, इवन नंबर होना जरूरी है, 5 और एक इवन नंबर मिलके ही जीरो बनाता है, तो 5 और 2 में हम देखेंगे जो कम होगा वही क्या करेगा, उतना ही जीरो बनेगा हमारा। अगर यहाँ पर है 5 का पावर 7 × 2 का पावर 4, ठीक है, 5 का पावर 7 × 2 का पावर 4, तो हम बोलेंगे अगर कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 5 तो 7 बार आया है, लेकिन 2 4 बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस में कितना होगा, 4 होगा, 5 का पावर 7 × 2 का पावर 4, तो कम कौन है, कम तो ये है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 4, 2 कितने बार है, 4 बार आया है, इसमें 4 ही पेयर बन पाएगा, 5 तो 7 बार लिखेंगे, 2 4 बार लिखेंगे, तो 2 अपना 4 बार का पेयर बना लेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर हम ले 5 का पावर 7 और 4 का पावर 4, अब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, अगर इसमें पूछें नंबर ऑफ जीरोस, तो देखिए ये तो ठीक है 5 का पावर 7, ये 4 है, तो अगर इसको हम 2 में ब्रेक करेंगे, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 4 तो ऑलरेडी है पहले से, 4 के जगह में 2 का स्क्वायर लिख दिया, 4 ऑलरेडी था, तो 4, यानी कि ये आ जाएगा 5 का पावर 7 × 2 का पावर 8। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोस में क्या देखते हैं, 5 का पावर 7 मतलब 5 × 5 × 7 बार, 2 का पावर 8 मतलब 2 × 2 8 बार,
तो इसमें किसका कम है, फाइव कम बार है बहुत, पांच सात ही बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, सेवन हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस भी कितना हो जाएगा, सेवन आ जाएगा। फाइव और टू में जो कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बनाएगा, लेकिन पेयर मिलना बहुत जरूरी है। अब अगर पेयर ही नहीं मिला, जैसे अगर हम बोले फाइव का पावर सेवन इंटू थ्री का पावर थ्री, इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस, तो एक भी जीरो नहीं होगा इसमें, नंबर ऑफ जीरोस होगा ही नहीं। क्यों, फाइव तो है लेकिन कहीं भी इवन नंबर नहीं है, है टू कहीं आएगा, तीन में तो दो होता ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए फाइव और इवन नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इवन नंबर में भी देख लेंगे टू कितने बार आ रहा है या फाइव कितने बार। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब कभी कभी सीरीज में दे देगा, सीक्वेंस में दे देगा एक, जैसे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन, ये दे दिया। ये सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वन से लेके टेन तक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखने जाए तो टू और फाइव में कौन कम है, तो हम बोलेंगे कि पांच तो बहुत कम बार आएगा। कैसे पांच कम बार आएगा, देखिए दो यहां आएगा, चार में भी दो दो होता है, चार का मतलब क्या होता है टू इंटू टू, फिर सिक्स में भी आ जाएगा टू इंटू थ्री, यहां भी एक दो आएगा, फिर एट में भी आ जाएगा, एट में कितना दो होता है, तीन दो होता है, फिर टेन, टेन का मतलब भी दो यहां, तो दो जो है वो हर एक नंबर के बाद दो, दो का ना टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स, मतलब हर एक नंबर के बाद, हर एक नंबर के बाद टू तो आ जाएगा, लेकिन पांच, पांच जो है हर पांच के गैप में आएगा, एक बार यहां आ गया तो एक ही बार यहां आएगा, फिर एक बार पंद्रह में आएगा पांच, तो पांच बहुत कम बार आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ जीरो कौन बनाएगा, जो कम बार आएगा, तो पांच कितने बार बना, एक और एक यहां पर दो, एक से लेके दस तक मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच तो सिर्फ दो ही बार है, और दो कितने बार है, एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, पांच सिर्फ दो बार है और दो कितने बार है, सात बार है, तो टोटल जीरो कितना बनेगा, दो जीरो बनेगा, जो कम होगा, पांच कम है, ऐसा समझ लीजिए कि पांच लड़का है तो दो लड़की है। ठीक है, तो पांच का स्क्वायर, पांच कितने बार है, दो बार है, यानी कि दो लड़का है और दो सात बार, सात लड़की है तो आप कितना शादी करवा सकते हैं, दो लड़का है और सात लड़की है तो आप कितना शादी करा सकते हैं, दो ही शादी करवा सकते हैं, है कि नहीं। तो दो, जो कम होगा वही पेयर बनाए, वही जोड़ा बनाएगा अपना, तो पांच कम है तो अपना जोड़ा बना लेगा, नंबर ऑफ जीरोस टू। लेकिन ये तो दस तक है, अब आगे जाके बीस पच्चीस पचास वहां तक भी दे सकता है, तब उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसको शॉर्ट में कैसे फाइंड करेंगे, एक से लेके दस तक मल्टीप्लाई है, तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त बताया इसको हम लोग 10 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे 10 तक, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए 10 डायरेक्ट इस तरह से निकालने, इसमें नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है, एक से लेके 10 तक था, 10 लिख लिए, 5 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 2, अब ये 5 से जा रहा है नहीं जा रहा है तो हमारा आंसर 2 होगा। ठीक है, ये 5 से अगर जाता तो इसको और लेकर जाते। ठीक है, एक और सम लेते हैं, ये तो 10 तक हुआ, अगर इससे ज़्यादा आया तो, है ना, अगर इससे ज्यादा पूछ लिया तो हमसे, अब ये तो एक से दस तक था आसान से, ये तो तोड़ के भी हम लोग कर लिए, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा देगा नहीं, जरूरी है। अब अगर हमको दे दिया 100 फैक्टोरियल, बोलेगा 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो, 100 फैक्टोरियल का मतलब 100 नहीं होता है, 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू, ऐसे कर करके 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बोलेगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, कितना जीरो आएगा, तो 100 फैक्टोरियल में हमको जीरो फाइंड करना है, तो एक से लेके 100 तक अगर हम जाएंगे तो उसमें तो दो बहुत बार आएगा, दो यहाँ यहाँ फिर एक नंबर के बाद, हर एक नंबर के बाद दो आएगा, लेकिन पाँच जो है दो तो हर दो गैप में आ जाएगा, एक गैप के बाद आ जाएगा, लेकिन पांच तो हर चार गैप के बाद आएगा, पांचवा नंबर में, है ना, तो पांच बहुत कम बार आएगा 100 फैक्टोरियल में, तो 100 फैक्टोरियल में अगर हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ दिया तो 100 को कितना से करेंगे, पांच से करेंगे, फाइव टू 20,
फिर इसको भी 5 से करेंगे, 5 4 जा, क्या अब ये 5 से जाएगा 4? नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20+4 यानी कि 24। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 24, ठीक है याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 24। अगर इसको हम 1 से लेके 100 तक को मल्टीप्लाई कर दे तो जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके बाद 24 जीरो होगा, टोटल कितना 24 जीरो होगा, ये हो गया 100 फैक्टोरियल का, ठीक है। उसी तरह अब अगर 1000 फैक्टोरियल दे दे तो, है ना, 1000 फैक्टोरियल का बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1000 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × इस तरह से करके 1000, तो 1000 फैक्टोरियल का अगर हमसे पूछ ले नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो 1000 को 5 से कर देना है, 200, फिर 5 से इसको करेंगे, फिर 5 से इसको करेंगे, फिर 5 से इसको करेंगे, एक बार में 8 है ना, एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, जो रिमाइंडर बच गया उसको नहीं लेना है, ठीक है। 5 से 8 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 5 × 5, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 240+8+1 249, टोटल कितना आ जाएगा 249, ठीक है। ये हो गया कितने का, 1000 फैक्टोरियल का, समझ में आया, 1000 फैक्टोरियल था, इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, 5 से किए 200, फिर 5 से किए 40, फिर 5 से किए 8 बार में, फिर 5 से किए एक बार में, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस इसको ऐड कर देना है, ऊपर वाला उसको नहीं करना है, बाकी सबको कर देंगे, कितना आ जाएगा 249, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर देगा, अब इसमें अगर हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसमें 2 से 1 250 तक बोल दे देगा, अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरो की संख्या कितनी, तो इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर ये मुश्किल आ जाता है, 2 से 4 ये कंटिन्यू नहीं है, देखो यहां पर 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब है ना, फिर 7 गायब है, फिर 9 गायब है, 11, इस तरह करके हाफ नंबर है हाफ नंबर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, देख 250 तक गए हैं, इवन नंबर है सारा, 250 तक ले लिए, 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ये कितना आ गया टोटल 62, लेकिन हमारा आंसर ये 62 नहीं होगा, 62 कब होता, अगर इस तरह से नंबर देता 1 × 2 × 3 × 4 × इस तरह से करके 250 तक देता, तब हम 250 को निकालते और हमारा आंसर कितना आ जाता, 5 से करते तो ये हमारा 62 आता है आंसर, लेकिन बात यहाँ पर ये आता है, इसमें देखो क्या है, नंबर ऑफ 5 निकाले है ना, तो ये तो जो हम निकाले 62 ये तो 1 से लेके 250 तक का है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आधा नंबर गायब है, आधा नंबर गायब है बोले तो 4 के बाद 5 गायब है, फिर 10 आया है, फिर उसके बाद 15 गायब होगा, क्योंकि सारा इवन नंबर है ना, सारा सम संख्या है, तो विषम संख्या वाला गायब होगा, यानी 15 भी गायब होगा, मतलब टोटल 62 5 में, एक 5 यहां गायब, फिर एक छोड़ के एक 5 गायब, मतलब 62 में से आधा 5 तो गायब है, इसमें आधा 5 तो नहीं है, है ना, तो यानी 62 ये टोटल का आया, तो टोटल जो कितना नहीं होगा इसमें, या इसमें कितना 5 नहीं होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर देंगे 31, यानी कि अगर हम 1 से लेके 250 तक जाते तो हमारा टोटल 62 5 मिलता, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी 62, लेकिन अगर 2 से लेके 250 तक जा रहे हैं तो इसमें से इसमें टोटल 62 5 आया, तो इसमें कितना 5 आएगा, 31, उसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ नंबर गायब है, ठीक है, 5 गायब है, फिर 15 गायब है, फिर 25 गायब होगा, है ना, 25 भी नहीं होगा इसमें और नंबर, इसीलिए उसमें से आधा 5 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इसको हम लोग एक और तरीका से भी कर सकते हैं, इसको एक और तरीका से कैसे कर सकते हैं, अगर 2 है तो इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3,
8 को 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5, इसी तरह से 250 को 2 इंटू 120, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एकदम आसानी से कर लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, 2 एक बार, 2 दो बार, 2 तीन बार, 2 चार बार, 2 पांच बार, ऐसे करके 2 125 बार है, मतलब ये सब 2 को बाहर निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 125 दो आएगा, 2 इंटू 2 इंटू करके 125, तो हम यानी कि 2 वाला को सबको अगर एक जगह कर दे तो 2 का पावर 125 ये हट जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 125 होगा, तो बचेगा कितना और 1 इंटू, ये सब बच जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 2, 2 तो सब लेकर 125 दो हो गए, इस तरह करके 125 तक लिख लिया। अब 2 का पावर 125, दो तो बहुत बार आया है, दो तो बहुत बार आया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकल पाएगा, इसमें तो नहीं निकल पाएगा, यानी कि अगर यहां से यहां तक हम पता कर लिए नंबर ऑफ जीरोस कितना है तो उतना ही होगा, क्योंकि इसमें तो 2 का पावर 125 मतलब 2 बहुत बार है, तो हम यहां फाइंड करते हैं। अब देखो ये सीक्वेंस में है, इसमें कोई गैप नहीं है, 1 से लेके 125 तक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5 कहां तक है, 125 तक, 125 को ले लिए, यहां से करेंगे कितने बार में जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितने बार में जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे एक बार में, टोटल आंसर हमारा कितना होगा 31, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 31, क्योंकि 5 कितने बार आया 31 बार, और 2 कितने बार आया 125 बार, तो जो कम होगा वही ना पेयर बनाएगा, 2 आया 125 बार और 5 आया 31 बार, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 31। अच्छा इसमें 2 अभी इसमें भी आएगा बहुत बार, है ना, तो 2 पेयर नहीं बना रहा है, यानी कि 31 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये सम भी समझ में आया होगा, नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालेंगे, 2 तरीका था, दोनों तरीका बता दिए। अब एक और सम करते हैं, इस तरह से सीक्वेंस बन गया 1 3 5 7, इसमें बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना आएगा हमसे ये पूछा, तो अगर हम नंबर ऑफ जीरोस में ध्यान दें तो नंबर ऑफ जीरोस बनने के लिए 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है, 2 मतलब 2 किसी में भी होगा तो वो इवन नंबर ही होगा, तो अगर हम देखें ये सारा का सारा नंबर तो ऑड नंबर है, 1 3 5 फिर 7 फिर 9, यानी कि अगर ये सारा ऑड नंबर है इसमें यानी कि 2 आएगा ही नहीं, इसमें एक भी 2 का मल्टीपल वाला नंबर नहीं होगा क्योंकि सारा ऑड नंबर है, और जो 2 से कट जाए वो तो इवन नंबर होता है, तो इसमें एक भी 2 से कटने वाला नंबर नहीं है क्योंकि सारा का सारा ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, एक भी 0 नहीं बनेगा इसमें, 0 आंसर कितना होगा, 0, नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा, 0, कोई 0 नहीं बनेगा, ठीक है, एक भी 0 नहीं बनेगा क्योंकि सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर है, और हमको 0 बनाने के लिए 5 और एक 2 चाहिए, यानी कि इवन नंबर चाहिए जो कि इसमें है नहीं, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0, ठीक है। अब इसी सम में 13579 दे दिया इनटू 1000, ये दे दिया, अब बोलेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो जब इसमें तो एक भी 0 नहीं, लेकिन जब 1000 से इनटू करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3, तब नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3, क्यों, देखिए कोई भी नंबर है 2 5 6 8 9, इसमें तो एक भी 0 नहीं है, और उसमें अगर 1000 से इंटू कर दिए तो क्या होता है, 3 जीरो बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आ जाता है, तो उसी तरह से इसमें तो एक भी 0 नहीं था, लेकिन जब 1000 से इंटू करें तो उसमें क्या होगा, 3 जीरो लग जाएगा सामने, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं, अच्छा कभी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने बोले इसमें, या नंबर ऑफ फाइव फाइंड करने बोले, तो एक ही बात है, नंबर ऑफ फाइव भी उतना ही होगा जो जितना नंबर ऑफ फाइव होता था, उतना ही तो नंबर ऑफ जीरो होगा, है ना, क्योंकि 5 ही कम बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फाइव भी उतना ही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, 3 का पावर 123 - 3 का पावर 122 - 3 का पावर 121
इंटू टू का पावर 119 माइनस टू का पावर 118 माइनस टू का पावर 117 ये दे दिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बोलेगा बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है, जब हम मल्टीपल में रहता है, गुणा में रहेगा सब, और गुणा में हम देखेंगे कि पांच और दो में कौन कितना है तब पता चलेगा। जैसे यहां से ये तीनों से हम क्या कॉमन लेंगे, सबसे छोटा वाला कॉमन होता है यानी कि 3 का पावर 121 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा 3 का पावर 21, सबसे छोटा था तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 का पावर 123 था जिसमें से 121 कॉमन चल गया तो 3 का पावर 2 बच गया, 3 का पावर 122 था 121 कॉमन चल गया तो 3 का पावर 1 बच गया, माइनस ये तो पूरा का पूरा 3 का पावर 21 कॉमन चला गया तो 1 बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 का पावर 0 बचेगा और किसी का भी पावर का 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ देखते हैं सबसे छोटा वाला 2 का पावर 117 कॉमन ले लेंगे, सबसे छोटा वाला इसको कॉमन ले लिया तो 2 का पावर 119 था, 117 चला गया तो 2 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पर 1 बचेगा। अब कर लेते हैं 3 का पावर 121 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 आ जाएगा इंटू, ये जैसे का तैसे उतार देते हैं इंटू। अब यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1। अब हम क्या नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो 5 और 2 में जो छोटा होगा वही आंसर होगा, तो 5 तो सिंगल है एक बार, लेकिन 2 कितने बार है, 117 बार 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 117 बार, तो कम कौन है, 5 कम है, कितने बार है, एक बार है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना आएगा, एक है। 5 और 2 का पेयर बना, तो पेयर कौन बनाएगा, 5। अब एक लड़का है और लड़की 117 है तो शादी कितना करा सकते हैं, हम एक ही शादी ना करवा सकते हैं, उसी तरह एक आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना बना सकते हैं, एक, क्योंकि एक ही पेयर बन सकता है, ठीक है, तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस, आंसर कितना होगा 1। अब नंबर ऑफ जीरोस ना पूछ के हमसे और भी कुछ नंबर पूछ सकता है, किसी का पावर 6 एन। अब जैसे क्वेश्चन आएगा हंड्रेड 21 फैक्टोरियल, 121 फैक्टोरियल को अगर डिवाइड दिस तो 6 टू दी पावर n, इसमें 6 टू दी पावर n, ठीक है, 21 फैक्टोरियल में जैसे नंबर ऑफ जीरोस करते थे, इसमें 6 टू दी पावर n, मतलब इसको अगर तोड़े 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 121 बार, तो इसमें 6 कितने टाइम्स आएगा, 6 कितने बार आएगा, ठीक है, कितने बार 6 आएगा, ये n का वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ, तो 121 फैक्टोरियल में अगर हमसे पूछे कि कितना 6 आएगा, कितने बार 6 आएगा, तो कैसे निकालेंगे इसको। अब हम जैसे जीरो निकालना था, जीरो का मतलब 10, एक जीरो मतलब 5 और 2 का पेयर 10, तो जीरो निकालने में हम क्या ढूंढे, 5 और 2 मिलके 10 बनता है यानी एक जीरो बनेगा, और इसमें भी जो कम आएगा, तो हम जानते हैं अगर सिक्वेंस में जाएंगे तो 5 कम बार आएगा, 5 आएगा, फिर 5 नंबर के बाद 10 आएगा, उसमें 5 होगा, फिर 5 नंबर के बाद, लेकिन 2 तो बहुत सीक्वेंस में आ जाएगा, हर एक नंबर के बाद 2 आ जाएगा, तो हम जो कम बार आएगा वही को उसी को निकालेंगे। उसी तरह 6 को अगर हम देखें, अब हमको 6 फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस ना पूछ के हमको 6 फाइंड करना है, तो 6 अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 6 भी तो ब्रेक होगा 3 इंटू 2 में, 6 कैसे बनता है, एक 3 और एक 2 का पेयर मिलेगा तो 6 बनेगा, तो इसमें हम देखेंगे कौन कम बार आएगा, अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो कौन कम बार आएगा, 3 बहुत कम बार आएगा, है कि नहीं, 2 तो हर एक नंबर के बाद 2 आ जाएगा, 2 फिर 4 में भी 2 फिर 6 में भी 2, लेकिन 3 कब आएगा, 3 फिर 4 5 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर में आएगा, यानी कि 3 बहुत कम बार आएगा, यानी कि 121 फैक्टोरियल में हम अगर 3 फाइंड कर लिए, जितना 3 होगा उतना ही नंबर ऑफ 6 बनेगा, बात खत्म। चलो करते हैं 3 चौके 12, 3 से 121 से करेंगे 40 बार में जाएगा, जितना जाएगा उतना ही लेकर जाएंगे, 121 है, 3 4 जा 12 कट गया, 1 बच गया नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एक 0 दे देते हैं हम, तो कितने बार में गया 40। अब 3 से इसको करेंगे तो 13 3 39, 13 3 जा 39, ठीक है, फिर इसको 3 से करेंगे 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर हटा देंगे, 3 से 4 को करेंगे एक बार में जाए, तो टोटल कितना आएगा 40,
53, 4, 57 और 1, 58 टोटल कितना आएगा 58, यानी कि नंबर ऑफ थ्री, नंबर ऑफ थ्री कितना है 58, तो नंबर ऑफ सिक्स टू द पावर n बोला था, तो सिक्स भी कितना आएगा 58 ही आएगा, क्योंकि थ्री तो सबसे कम बार आएगा ना, दो तो बहुत बार आएगा, थ्री और दो मिलके छह बना देगा, तो आंसर होगा हमारा 58, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 56, कितने बार आएगा 58, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दे देता 122 टू द फैक्टोरियल 7 टू द पावर n, 7 फाइंड करो, तो 7 तो टूटेगा नहीं, 6 तो टूट गया, 3 और 2 तो देख लिए हम कौन पेयर में, 7 तो टूटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 7 से ही कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट 7 से ही कर देंगे, 7 1 7 5 2 7 7 14, ये हो गया, फिर 7 से 7 2 14 17 2 19 19 आएगा, 7 कितने बार आएगा 19 बार आएगा, ठीक है बस। तो ये है नंबर ऑफ जीरो, जिसमें और भी बहुत सारा नंबर 7 पूछ सकता है, 11 पूछ सकता है, और भी बहुत सारा नंबर पूछ सकता है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक। आशा है नंबर ऑफ जीरोस का ये सेशन समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी वीडियो आए तो टाइम पे मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।